देखिए आज अपने करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड के अंदर सबसे पहले देखो एक्स की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये एक्स की स्क्वायर। अब गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अपने बाहर बाहर वालों को देखो, इनको दोनों को इंटू करेंगे, 8 गुणा एक्स की स्क्वायर तो हो गया 8x की स्क्वायर। अब 8 के ऐसे, एक बार अकेले 8 को ले लेते हैं अपने, 8 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर तो 8 आ जाए, और टुकड़ों को जोड़ने पर, क्योंकि जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि दोनों चिन्ह देखो, ये भी चिन्ह प्लस का है, ये भी चिन्ह प्लस का है, तो दोनों टुकड़े भी प्लस के आएंगे। जब ये दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो दोनों टुकड़े प्लस के आएंगे, और दोनों टुकड़े जब प्लस के आएंगे तो दोनों टुकड़े जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद अपना 6 आना चाहिए। अब 8 के करो, 4 2 चौका 8, 4 2 8, ये देखो गुणा करने पर 8 आ गए, और इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया 6, तो ये भी हो गया 2x। अब इनके पास में x रख दो, ये x, x x x की स्क्वायर, 8x स्क्वायर हो गया, और 2x और 4x को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 6x, कितने हो गए 6x। अब जहां अपना 6x आया है वहां पर इन दोनों टुकड़ों को रखेंगे, x का स्क्वायर जहां 6x आया था वहां पर ये दोनों टुकड़े, ये भी प्लस का है और ये भी किसका है, प्लस का है, क्योंकि दोनों टुकड़े प्लस के लेने हैं, और ये हो गया 2x प्लस 4x प्लस 8। अब दो दो के समूह बना लो ऐसे, ये समूह बन गया, यहां से कॉमन निकालना है अपने को। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां 2 है, कॉमन दोनों में होना चाहिए तभी वो कॉमन आएगा, यहां 2 है या 2 नहीं है तो कॉमन 2 तो आएगा नहीं, यहां x है या x की, यानी x की स्क्वायर है, यानी x दो बार है गुणा में, तो यहां से एक x अपने ले सकते हैं और यहां से भी x ले सकते हैं, ये भी x ले सकता है, तो x को कॉमन निकालो, ये हो गया, यहां रह गया x और प्लस, यहां से कॉमन निकालने का मतलब ही भाग देना होता है, जैसे 2x के अंदर x का भाग देंगे, x से x कट गया, कितना बच गया 2, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो ये x स्क्वायर का मतलब दो बार x x था, ये x और x, बटा में x कटेंगे, एक कट गया एक रह गया, अब अपने यहां आ गया 2, ठीक है, ये लगाओ कोष्ठक। अब आगे ये चिन्ह प्लस का है, यहां देखो यहां x है यहां x नहीं है। अब दूसरा देखो, दूसरा ऐसा अंक देखना है, अब अंकों में देखो ऐसा अंक देखना है जो दोनों में भाग जा रहा हो। अब देखो 4 का पाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, इसका मतलब 4 का भाग दोनों में जाएगा, 4 का भाग दोनों में जाएगा, 4 का भाग जाएगा, और 4 को कॉमन निकालते हैं, 4 को कॉमन निकाला, और यहां 4 को कॉमन निकालते ही देखो 4, मैंने बताया भाग लगाना, 4x में 4 का भाग लगाएंगे, 4 से 4 गया, x बच गया, प्लस अब ये रह गया 8, क्या रह गया 8, 8 में 4 का भाग देंगे, 4 2 8, दो बार गया। अब दोनों कोष्टक देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं, x प्लस 2, और ये हो गया बाहर बार वाला मिला तो ये और ये x प्लस 4, तो ये इसके दो गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से अपने गुणनखंड को कर सकते हैं। धन्यवाद।